एसडीएम जोगिंद्रनगर अमित मेहरा की अगुवाई में मंगलवार को स्थानीय प्रशासन की टीम ने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे व सही से मास्क का इस्तेमाल न करने वालों को जरूरी हिदायतें भी दी। साथ ही लोगों से पर्याप्त सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का भी आह्वान किया। बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन, विभिन्न दुकानों, ढाबों इत्यादि का भी औचक निरीक्षण किया। अमित मेहरा ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करते हुए पाए गए लोगों के चालान भी काटे गए। स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग न करने पर 15 लोगों के 500 रुपए के चालान काटे हैं। इन द लास्ट पिछले एक साल में जितनी डेथ हुई थी उससे 3 गुना डेथ जो है ऑलरेडी पिछले 2 महीने में हो चुकी है, और मैं कहूँगा कि उससे भी कम अंतराल में। बहुत से माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से, पुलिस और हम सभी ने ये कोशिश कर देखी है कि लोगों में ये जागरूकता लाई जाए कि वी आर नॉट मेयरली, हम केवल चालान ही नहीं ले रहे, वी आर ऑल्सो सेविंग देम। अगर ये मास्क पहनते हैं, ये सबसे बेसिक सी चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं COVID-19 के से बचने के लिए। अब सोशल डिस्टेंसिंग हमें बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 1 वर्ष से ज़्यादा बीत चुका है हमें ये काम करते हुए, और अगर यदि अभी हमें समझाना पड़ रहा है तो वी आर फोर्स टू चलान द पीपल जो कि मास्क ढंग से नहीं पहन रहे हैं या भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए, कम से कम भीड़ करें, अगर आपको आवश्यक नहीं है तो प्लीज़ ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे आके भीड़ ना करें। ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि शादी समारोह बहुत सारे हो रहे हैं और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और उनके पॉजिटिव आने के और अपने आप को खतरे में डालने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अवॉइड करें, कम से कम संख्या में रहें और सोशल डिस्टेंस में रहें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना मास्क किसी भी हालत में ना आता। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।